फ्रेंड्स आज के परम क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज कुछ नया टॉपिक जानने से पहले आज एक शब्द को जरूर जानेंगे कि वो क्या है। मीडिया जिसके ऊपर ये चैनल आधारित है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये मीडिया क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। मीडिया का स्वरूप कोई भी हो दोस्तों, उसका काम एक ही है, एजुकेट करना, डेवलपमेंट करना, अवेयर करना और इन्फॉर्म करना, राइट दोस्तों। अब आपके मन में आया होगा कि मीडिया डायरेक्ट तो आपको आके कहेगा नहीं, है ना? तो क्या है मीडिया के रूप में? कौन? प्रिंट मीडिया। अब हम प्रिंट मीडिया कैसे आया वर्ड के अंदर, ये भी आपके दिमाग में आया होगा। तो दोस्तों मैं आप सबसे पहले एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से बताइएगा कि पहला न्यूज़पेपर वर्ड का कौन सा था? नहीं पता ना, होगा भी कैसे, प्रम क्लासेज आज पहली बार तो आपसे रूबरू हो रहा है इस सवाल को लेकर। तो दोस्तों उसका नाम था एक्टा डूरिना। कहां से निकला? रोम से। कब निकला? 131 ईसा पूर्व। ये तो बात हुई वर्ल्ड की, है ना, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म। लेकिन दोस्तों हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे भारत के अंदर पहला न्यूज़पेपर कौन सा हुआ जो कि इंग्लिश और एशिया का पहला न्यूज़पेपर बना? तो दोस्तों उसका नाम था बंगाल गजट, ठीक है दोस्तों, लेकिन उसे हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये कहेंगे चलो बंगाल गजट तो मान लिया कि बंगाल से निकलता था, लेकिन ये हिक्की गजट क्या बना है? तो दोस्तों मैं बता दूं, हिक्की गजट जेम्स अगस्टस हिक्की नाम के एक पत्रकार ने निकाला, और वो किस लिए निकाला? एक वारेन हेस्टिंग्स था उस टाइम का तात्कालिक गवर्नर जनरल, उसकी जो नीतियां थी ना उसके आलोचना के लिए पेपर निकाला। और कब निकाला उन्होंने? उन्होंने निकाला दोस्तों 29 जनवरी 1780 को उन्होंने वो न्यूज़पेपर निकाल दिया, राइट, उस दिन उन्होंने निकाला। लेकिन उन्हें तात्कालिक रूप से बंद भी करना पड़ा, और ज्यादा नहीं चला वो दोस्तों, उसे बंद करने के लिए 23 मार्च 1782 को वापस बंद करना पड़ा दोस्तों। ये क्यों करना पड़ा पता आपको? क्योंकि इतने ज्यादा पाबंदियां लगा दी गई कि या तो हमारी प्रशंसा कीजिए या फिर इसको बंद कर दीजिए। तो वो क्या कलम का धनी था, उसे बंद करना ही उसने उचित समझा। तो दोस्तों ये था इंग्लिश पेपर। लेकिन दोस्तों उस टाइम भारतीय जो थी ना विचारधाराएं कुंठित थी, अपने विचार नहीं कह पाती थी, लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी चाहती थी। तो क्या हुआ, एक पुरोधा हुए पंडित युक्ल किशोर शुक्ल, उन्होंने क्या किया, हिम्मत जुटाई और न्यूज पेपर निकाला उदंत मारतंड। क्या? उदंत मारतंड, जिसका मतलब है उगता हुआ सूर्य, जो कि हमेशा सूर्य की भांति प्रकाशित होकर, प्रकाशमान होकर लोगों को प्रकाशित उज्ज्वलित करता है, उन्हें जगाता है, उनके अंदर भावनाएं बढ़ता है, प्रकाश की भावनाएं बढ़ता है, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। ऐसा था उदंत मारतंड दोस्तों। और वो कब निकला, जिसे कि हम हिंदी पत्रकारिता दिवस भी कहते हैं दोस्तों, और वो निकला 30 मई 1826 को, राइट। हमारे देश का जो स्वर्णिम पत्रकारिता का इतिहास है कहां से शुरू होता है? 30 मई 1826 से। ये स्टार्ट किसने किया? पंडित युक्ल किशोर शुक्ल ने दोस्तों। लेकिन इसके साथ भी वही हुआ, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास पैसा नहीं था दोस्तों, उस टाइम पैसा नहीं था, तो लोगों ने क्या किया, उनके अंतिम पृष्ठ पर एक चीज लिखी गई, अंतिम जो अंक निकला उनके ऊपर, क्योंकि वो जो उसका मूल्य था एक आना दो आना, उसके लिए मांग करते करते थक गए पाठकों से, जब नहीं हुआ तो उनको लास्ट में बंद करना पड़ा, और लास्ट में ये दिखना पड़ा आज दिवस लो उगचुको मार दंड उदंत अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अबंत। मतलब अब ये समाप्त होने जा रहा है, दिन कर पश्चिम में अस्ताचल को जा रहा है, क्योंकि हमारे पास उसको चलाने के लिए आर्थिक सहायता नहीं है दोस्तों। ये थे कुछ न्यूज़पेपर्स की। लेकिन दोस्तों आगे चलते, उस टाइम क्या था, सेवा था, सेवा धर्म था दोस्तों। उस टाइम मैं बता दूं, भगत सिंह आप तो नाम तो जानते होंगे क्रांतिकारी ग्रुप में, लेकिन बहुत बड़े पत्रकार और एडिटर भी थे, संपादक भी थे। उसके अलावा महात्मा गांधी, उसको कौन नहीं जा सकता, उनको जिनके बलबूते पर, जिनके सत्य अहिंसा के ऊपर पूरे देश को आजादी दिलाती है ना। तो उन्होंने युगांतर, हरिजन, कई न्यूज पेपर निकाले नीचे तबके के लोगों के विकास के लिए दोस्तों। आप बहुत से ऐसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनकी पत्रकारिता तो बहुत जग जाहिर है दोस्तों। लेकिन
इतनी पत्रकारिता आगे चलकर यह पत्रकारिता अपने सेवा धर्म को बनाए नहीं रख पाई दोस्तों, तो क्या हुआ, बिजली से तब्दील हो गई। हालांकि गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक बात कही थी दोस्तों, यदि किसी को पेशा बनाना है तो पत्रकारिता फील्ड में ना आए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत से फील्ड है, इससे कृपया इसे दूर ही रखें। दोस्तों मैं एक पहले मैंने बताया था, आजकल पत्रकारिता पत्र के जरिए पैसा कमाने का साधन बन गई है दोस्तों, न कि बंदकार मतलब जो अन्य उद्घाटित है उसे बाहर निकालने का काम हो, ये नहीं रहा, आज वो बिजनेस बन गया दोस्तों। पैड न्यूज इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको आज ही बता दूं कि जिनके अंदर ये है ना सेवा भाव, वही इसको अपना सकता है दोस्तों। दोस्तों बहुत परिवर्तन आए पत्रकारिता के इतिहास में पत्रकारिता, लेकिन दोस्तों ये बनाना उद्योग बनाना भी जरूरी हो गया, क्योंकि देखिए उस टाइम खाली एक ही ध्येय था, देश को आजाद करवाना, और देश को आजाद कराने के लिए क्या करना, लोगों को जोड़ना, लोगों को क्रांति के युद्ध में, क्रांति के समर में साथ में लेके चलना। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे हमारा देश आजाद हो गया और पत्रकारिता का बहुत बड़ा उसमें हाथ रहा, और अकबर इलाहाबादी ने भी उन्होंने कहा था एक बार, खींचो ना कमार ना तलवार निकालो, जब तोप की जरूरत हो अखबार निकालो। दोस्तों बात तो आज वही है, लेकिन आज लोग अखबार कैसे निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं, आप भी जानते हैं, केवल सरकारी जो भी छूटे हैं उनको प्राप्त करने के लिए, कम दामों पर कागज उठाने के लिए, पेड न्यूज करने के लिए। दोस्तों आज यह हकीकत है, लेकिन दोस्तों आशा मैं ये करता हूं, परम क्लासेज ये आशा करता है कि आप युवा हैं, आपको सेवा भाव जागृत करना चाहिए। दोस्तों मैं जानता हूं कि खुद का घर होम कर यज्ञ नहीं होता, लेकिन दोस्तों आप उस सेवा भाव का क्या करेंगे जो आपसे अपेक्षा की जाती है, जो पत्रकारिता से एक सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम की जो है उसकी आवाज है, उसको क्यों दबाया जाए। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज हर कोई सच्ची पत्रकारिता जानना चाहता है, सत्य क्या है वो जानना चाहता है, लेकिन सत्य की जबान खनकते हुए सिक्कों के नीचे दबकर रह गई है। दोस्तों आज जो चौथा स्तंभ था ना, वो पहला स्तंभ तो बना हुआ है, लेकिन दोस्तों पहला स्तंभ किसके लिए, जनता के लिए नहीं, केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। दोस्तों हालांकि ये कहना बहुत कटु सत्य है, हो सकता है कड़वा हो, लेकिन दोस्तों सत्य यही है। यदि आपने मैनेज कर लिया मीडिया को, यदि आपने मैनेज कर लिया पत्रकारिता को, तो सारा कुछ आपके हाथ में। दोस्तों पत्रकारिता से आशा की जाती थी कि वो सत्य बोलेगा, सत्य बोलेगी, लोगों को नई नई चीजें देगी, नई चीजें खबरें लाएगी, लेकिन एक घिसी पिटी न्यूज आती है पत्रकारिता में, और कौन सी है, राजनीतिक हलचल की न्यूज, और वो भी किसी एक पक्ष की, दोनों पक्ष की नहीं। दोस्तों तो ये क्या है दोस्तों, पत्रकारिता एक बिजनेस बन चुका है। दोस्तों वो युग गया जब पत्रकारिता कीमत होती थी, यदि आपको एक प्रति खरीदनी है तो एक अंग्रेज का ताजा कटा हुआ सिर और ये उसके मूल्य लिखा होता था दोस्तों। लेकिन आज क्या है, आज ईमान बिक गया, सम्मान बिक गया है पत्रकारिता की दुर्दशा, स्वाभिमान बिक गया दोस्तों, ये स्वाभिमान बिक चुका है, क्योंकि दोस्तों आज एडिटर को पांव पहुंचने वाला पायदान माना जाता है। दोस्तों यदि एडिटर ने मालिक के कहे अनुसार नहीं लिखा तो उसे पांव पहुंचने वाले पायदान की तरह हटाकर साइड में कर दिया जाता है और दूसरा बिठा दिया जाता है। दोस्तों आज आत्मा नीलाम हो चुकी है उस एडिटर की, जो कि सत्य चीज बाहर निकालना चाहता है। दोस्तों तो हमें करना क्या है, दोस्तों करना हमें यह है कि पत्रकारिता का जो गुणधर्म पहले था उसे वापिस अपनाना पड़ेगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे विचार फिर से एक बार प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ कर रह जाएंगे। दोस्तों हमारे पास पैसा तो होगा लेकिन संस्कृति नहीं, हमारे पास बड़े बड़े भवन होंगे लेकिन दोस्तों संस्कृति और संस्कार की नींव नहीं होगी। दोस्तों फिर हम उस भवन को कहां खड़ा करेंगे, दोस्तों हवा में तो कर नहीं सकते, और वही दिन वापिस आएगा। आ गया दोस्तों, हमारे बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं उनमें FDI फॉरेन डेवलपमेंट इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और क्या है दोस्तों, वो अपना पैसा लगाकर अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोप रहे और पैसा भी ले जा रहे हैं। दोस्तों ये सारा का सारा यदि हमने इसको
नहीं पहचाना, नहीं जाना, तो दोस्तों हमारे एक दिन हमारे वैचारिक रूप से वापिस प्राधीनता आ जाएगी दोस्तों। लेकिन करे कौन, लोग सब ये कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पास के घर में हो। तो दोस्तों तब तक ये पत्रकारिता जो है ना अपने अंतिम चरण में है, अपने सत्य में हो, जैसे कि जो अंतिम चरण में है वो उससे मुक्त नहीं हो पाएगी दोस्तों, और उसे अवशेष भी नहीं बचा पाएगी वो अपने। तो दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि हमें आज के पत्रकारिता का जो है ना, जो ये व्यवहार है आज का पत्रकारिता का, उसे हम बदलना पड़ेगा दोस्तों। हमें बदलना पड़ेगा उसकी उच्छृंखल प्रवृत्ति को, हमें बदलना होगा उसकी औद्योगिक प्रवृत्ति को, और हमें वापिस सौंपना पड़ेगा उसे उसका वही सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम का स्वरूप। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारी वैचारिक जो कुंठाएं हैं उनसे हम बाहर निकलने में सक्षम हो पाएंगे दोस्तों। लेकिन एक बात बता दूं, केवल बातें करने से नहीं होगा दोस्तों, हमें कुछ करना होगा। देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी हुए, उन्होंने देश के लिए कितना किया, बड़े बड़े पत्रकार थे, उन्होंने अपनी कलम नहीं बिकने दी। कलम बिक गई ना दोस्तों तो सब कुछ बिक गया आपका। कलम के धनी थे वो, कलम के धनी वो अखबार वाले हैं दोस्तों। अखबार वाले इसलिए हैं कि वो किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाते दोस्तों। और आज दूसरे न्यूज पेपर ने 200 रुपए ज्यादा नहीं दिए कि हम उधर चले गए, और पेड न्यूज तो सबसे ज्यादा जोंक की तरह लगी है दोस्तों देश के अंदर। यदि आपको कोई भी न्यूज छपवानी हो, एक लिफाफा तैयार कीजिए, और ये लिफाफा संस्कृति आज की पत्रकारिता को कहीं का भी नहीं छोड़ेगी दोस्तों। मेरा आपसे यही वापिस गुजारिश है कि एक तो ये टॉपिक के रूप में याद रखें पत्रकारिता को, और याद ही नहीं रखें बल्कि इसको अपना स्वरूप, जो इसका असली स्वरूप था, इसका वास्तविक स्वरूप था सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम का, वो से वापिस लौटा दें दोस्तों। एक दिन भारत फिर से, जो कि विश्व गुरु है, आज विश्व गुरु का हमें गुरूर होगा कि ये विश्व गुरु है और भारत मेरा देश महान है। तो दोस्तों इस महानता को लौटाने के लिए आपसे गुजारिश करते हुए, आपसे इसका गुण धर्म जो है पत्रकारिता को लौटाने के लिए गुजारिश करते हुए आप सभी से विदा लेता है। तब तक दोस्तों देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा प्रम क्लासेज के और भी वीडियोज, जिससे कि आपको मिलती रहे जानकारी पत्रकारिता से जुड़े हुए हर पहलू की, हर उस विचार की, जो कि नए नए विचार हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये तभी आपको पता लगेगा जब आपने बेल आइकन दबाया होगा या आपने सब्सक्राइब किया होगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे नए नए वीडियोज का। तो दोस्तों विदा कीजिए, लेकिन एक प्रतिज्ञा के साथ कि पत्रकारिता के गुण धर्म को उसका वापिस लौटाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं कभी इसी चैनल पर कल और इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।